हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल गाइस। और आज हम फिर से आ चुके हैं यहाँ पर कुछ नया लेकर। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि घर पर हम फ्लेक्सी जेल कैसे बना सकते हैं, क्या क्या उसके बेनिफिट्स है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि केटन का जो फ्लेक्सी जेल है वो अनदर फ्लेक्सी जेल से और होममेड फ्लेक्सी जेल से कैसे डिफरेंट है। केटन का जो फ्लेक्सी जेल है गाइस, वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाया गया है जो हमारे बालों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। साथ ही साथ हमने उसके काफ़ी सारे फायदे भी देखे थे। और आज गाइस हम लोग सीखने वाले हैं कि फ्लेक्सी जेल को DIY करके हम घर पर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम हम लोग स्टार्ट कर देते हैं वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले लेंगे हम लोग 2 चम्मच फ्लेक्सी जेल। यहाँ पर हम केटेन का रेडी टू यूज़ फ्लेक्सी जेल ले रहे हैं गाइस। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं या फिर होममेड फ्लेक्सी जेल भी ले सकते हैं। उसी के साथ हम लेंगे 2 चम्मच शैम्पू। यहाँ पर हम लोग केटेन का केराटिन शैम्पू यूज़ कर रहे हैं जो बिल्कुल पैराबेन फ्री है, केमिकल फ्री है, 100% प्लांट बेस्ड है। कोई भी केमिकल इसमें यूज़ नहीं किया गया है, बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया गया है। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपका पेस्ट रेडी हो जाएगा यूज़ करने के लिए गाइस। तो बस आपको इसको अपने बालों पर अप्लाई कर देना है। आफ्टर 2 to 5 मिनट्स आपके आपको बालों को वॉश कर देना है। सेम प्रोसीजर गाइस आप अनदर प्रोडक्ट के साथ भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ कंडीशनिंग मास्क। मैं यहाँ पर ले रही हूँ केटेन का ही कंडीशनिंग मास्क जो बिल्कुल पैराबेन फ्री है, नो सिंथेटिक कलर है, इसमें अल्कोहल फ्री है, सिलिकॉन भी नहीं है, तो काफ़ी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ किए गए हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम 2 चम्मच फ्लेक्सी जेल के, जैसा कि हमने शैम्पू के साथ किया था। 2 चम्मच फ्लेक्सी जेल और 2 चम्मच लेंगे हम कंडीशनिंग मास्क के। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, अपने बालों पर अप्लाई कर देंगे। 10 to 15 मिनट्स बाद बालों को वॉश कर देना है गाइस। आपको इतना अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा कि आप बार बार यूज़ करोगे। और यही प्रोसीजर गाइस आप अनदर प्रोडक्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ऑयल के साथ आप यूज़ कर सकते हो। मतलब कि बालों पे जब ऑयल डालते हैं ना, तो उसके साथ 2 चम्मच ऑयल और 2 चम्मच फ्लेक्सी जेल, ये दोनों मिक्स करके अच्छी तरह से बालों पर अप्लाई कर देना है। वैसे भी आप यूज़ कर सकते हो। सेम प्रोसीजर आप लोग एलोवेरा जेल के साथ भी कर सकते हो और अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हो गाइस, और अमेजिंग रिजल्ट पा सकते हो। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कल शैम्पू, जिसके साथ भी आप सेम प्रोसीजर कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।